हाय मेरे कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है कंफ्यूज्ड डोंट बी क्योंकि आज मैं आपको द आर्ट ऑफ कुकिंग के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगी इससे एज अ स्टूडेंट आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के थर्टी थाउजेंड रुपीज की एवरेज मंथली इनकम कमा सकते हैं अगर जानना है कैसे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना पर उससे पहले अगर आपको ऐसी ही और स्किल्स के बारे में भी जानना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहेंगे तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है सी एक डिजिटल मार्केटर दूसरे बिजनेसेस को ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज देता है इन सर्विसेज में वेबसाइट्स लैंडिंग पेजेस सोशल मीडिया पोस्ट ब्लॉग्स वीडियोस, पॉडकास्ट ईमेल मेल कैंपेन्स एस और बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है बेसिकली एक डिजिटल मार्केटर का एम अपने क्लाइंट्स को उनके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना होता है कुकिंग के कॉन्टेक्ट में इसको बेहतर समझते हैं जैसे कुकिंग में हमें एक डिलिशियस डिश बनाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स टूल्स और रेसिपीज की जरूरत होती है वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में हमें अपने क्लाइंट्स के लिए एक माउथ वाटरिंग मील बनाने के लिए सही स्किल्स टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है तो so चलिए आप देखते हैं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की कुकिंग शुरू कर सकते हैं सबसे पहला स्टेप है लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल्स सी स्किल्स हमारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें ऑनलाइन कोर्सेज से फ्री में मिल जाते हैं ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो हमें ज्यादा पैसे कमाने में मदद करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडीड्स करियर गाइड वो स्किल्स ये हैं फर्स्ट कॉपी राइटिंग ये एक ऐसी स्किल है जो हमें परसोएसिव और एंगेजिंग कंटेंट बनाना सिखाती है कंटेंट ही वो मसाला है जो हर एक डिश को फ्लेवरफुल बनाता है सेकंड वेब डिजाइन ये स्किल वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाना सिखाती है जो आपके क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को शोकेस करता है आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो प्लेट है जिसमें आपकी डिश सर्व होगी नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग ये स्किल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एटसेट्रा पे पोस्ट बनाना ऑडियंस को एंगेज करना ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना जो एट दी एंड सेल्स ड्राइव करने में हेल्पफुल होता है थिंक दिस वे कि ये गार्निशिंग है जो आपकी डिश को प्रेजेंटेबल बनाता है नेक्स्ट इज SEO. This is one of the most important skills to drive website traffic. क्योंकि इस skill से आप search engines जैसे कि Google पर rank करना सिखाते हैं जो website traffic को increase करता है इसलिए ऐसी वो सॉल्ट है जो आपकी डिश को टेस्ट देता है इस स्किल्स के बारे में आप फ्री में यूटमी स्किल शेयर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे सीख सकते हैं सी जैसे कुकिंग कभी भी यूटेंसिल्स के बिना नहीं हो सकती वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बिना नहीं हो सकती एंड द बेस्ट पार्ट इज इनमें से कई टूल्स फ्री और ओपन सोर्स हैं जिन्हें आप इजिली यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे टूल्स हैं फर्स्ट गूगल अनालिटिक्स ये टूल आपको अपनी वेबसाइट या लैंडिंग

कैनवा आपका वो ओवन है जो आपकी डिश को बेक करके रेडी करता है अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पर जो कि है नेटवर्किंग सी डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपना नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेजरली शुरू में आपको क्लाइंट्स रेफरल्स और अपॉर्चुनिटीज इससे ही मिलेंगे नेटवर्क बनाने के लिए आप वेबिनार्स वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं इसके अलावा आप गैस ब्लॉगिंग कर सकते हैं गैस ब्लॉगिंग का मतलब है कि आप किसी और के ब्लॉग या वेबसाइट पर अपना आर्टिकल लिख पब्लिश करें या आपको ऑडियंस से कनेक्ट करने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने और अपने ब्रांड को ज्यादा एक्सपोजर देने का एक शानदार मौका देगा ऑल्सो आप कॉन्टेंट कोलेबोरेशन कर सकते हैं लाइक यू कैन रिक्वेस्ट एन इंटरव्यू और अड फ्रॉम एन एक्सपर्ट टू एड टू योर ओन ब्लॉग नेक्स्ट आप डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटीज ऑफ फोरम्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू केन ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी ब्लैक हैल्ड डिजिटल मार्केटिंग से लिंक ग्रुप एंड अगर आप गूगल एड्स एंथ हैं तो आप गूगल एस मास्टर माइंड का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ये नेटवर्किंग कम्यूनिटीज आपको डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे जैसे जितने ज्यादा इंग्रीडियंट्स होंगे उतना ही टेस्टी और क्रिएटिव खाना बनेगा नेटवर्किंग बिल्कुल वैसे ही पैंट्री में नए इंग्रीडियंट्स ऐड करने जैसा है जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट करोगे उतनी ही ज्यादा नॉलेज और स्किल्स आपके पास होंगी अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर जो कि है सर्विसेज प्रोवाइड करना अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर जो कि है सर्विसेज प्राइस करना सर्विसेज प्राइस करने के लिए आप कुछ मॉडल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल में आप अपनी सर्विसेज का प्राइस उस वैल्यू के बेसिस पे रखते हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हो यह मॉडल क्लाइंट्स के लिए बेस्ट है क्योंकि वो सिर्फ उस वैल्यू के लिए पे कर रहे हैं जो आप उन्हें दे रहे हो नेक्स्ट इज रिटेनर और प्राइजिंग मॉडल रिटेनर और प्राइजिंग मॉडल में आप अपने क्लाइंट

एज टू ओवरकम चैलेंजेस जैसे डिफिकल्ट क्लाइंट से डील करना आपने देखा ही होगा कि कई लोग खाने के मामले में काफ़ी पिकी होते हैं वैसे ही कई क्लाइंट्स भी सर्विसेज के मामले में काफ़ी चूजी होते हैं विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू डील विद एम और इस केस में आपको अपने क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशंस क्लियरली समझने हैं पेशेंट रहना है एंड टाइमली रिक्वायर्ड चेंजेस करने हैं नेक्स्ट हो सकता है कि आ डिश इज नॉट टर्निंग इन टू वट यू एक्सपेक्टेड इट टू बी तो ऐसे केस में कुछ नए कीवर्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं इसके अलावा इट इज पॉसिबल कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन से लॉस हो रहा है Which means, आप अपने इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो पर आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है ऐसे केस में आपको अपने रिसोर्सेज को केयरफुल्ली बजट करना होगा हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करके और टारगेटेड कैंपेन्स चलाने होंगे तो ये थे कुछ स्टेप्स जिनसे आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए इसको शेयर कीजिए और अगर आपको ऐसे ही और यूजफुल स्किल्स के बारे में जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल एंड प्रेस द तो बेल बेलाइकन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओके, बाय बाय।